कैसे हो आप सब बच्चों? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 कार्बन एवं उसके यौगिक, और ये हमारा नया वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस को आप जरूर देखिए। मैंने बताया कि एक सीरीज चल रहा है, सीरीज में प्रत्येक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। जानते हैं आप, कार्बन एवं कंपाउंड बहुत टफ चैप्टर है, इसको धीरे 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 आपको समझना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो इसके पहले मैंने बहुत सारे नामकरण सिखाया आपको, कैसे नाम लिखना है, और बहुत सारे तरीके की चीज़ों को मैंने आपको, बेसिक चीज़ों को मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें CH4, CH4 क्या है बताइए? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। मैंने आपको सिखा दिया है कि CH4 क्या होता है? मीथेन। तो यहाँ पर ये हो गया मीथेन। तो मीथेन का जो गुण होता है, रासायनिक गुण होता है, भौतिक गुण होता है, वह क्या होगा? स्पेशल होगा। मतलब मीथेन में जो रासायनिक गुण है और भौतिक गुण है, वह सिर्फ मीथेन का ही है। क्या दूसरे यौगिक का भी गुण मीथेन के जैसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि मीथेन हम लोगों ने बना दिया, ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या बना दिया? मीथेन को बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से H को हटा देंगे। H को क्या करेंगे? हटा देंगे, और OH यहां पर जोड़ देंगे। OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। तो अब बताइए कि अब ये मीथेन रह गया क्या? नहीं, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल नाम इसका हो गया, या फिर इसको मिथेनॉल भी बोलते हैं। मिथेनॉल हो गया। तो मिथेनॉल इसका IUPAC नेम है, ठीक है? तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। ये है मिथेन और ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन का कंपाउंड है। इसी में से एक एच को हम लोगों ने हटा दिया, और उस एच को हटाने के बाद हम लोगों ने OH यहां पर जोड़ दिया। तो जैसे ही OH जोड़ा, तो यह एक अलग प्रकार का क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। और इसका गुण अब इससे क्या होगा? बहुत अलग होगा। अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर CH3 है, CH4, CH4 में से एक एच को हटा के यदि हम लोग यहां पर क्लोरीन जोड़ देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो मीथेन। तो आपको लगेगा कि ये नाम हम लोग को याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ये नाम मैं अभी सिखाने वाला हूं कि कैसे ये नाम आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये CH3 वैसे ही है, CH3 वैसे ही है। अब ये हो गया, यहां पर क्लोरीन हमने लगा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेन। क्या बोलते हैं? हैलोजेन। तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेन बोलते हैं। और यहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? OH। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर यह जो यौगिक दिख रहा है और यहां जो यह यौगिक दिख रहा है, इन दोनों का रासायनिक गुण क्या एक ही होगा? भौतिक गुण क्या एक ही होगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं, इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण इससे बहुत अलग होगा। तो मैं पूछूंगा कि कैसे? ये भी तो CH3 यहां है, CH3 यहां है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे कि यहां पर लगा हुआ है OH, और यहां पर क्या लगा हुआ है? Cl। तो इसका मतलब अब इस यौगिक का गुण किसके अनुसार चल रहा है? इस OH के अनुसार चल रहा है। मतलब OH इस पूरे यौगिक के गुण को निर्धारित कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो यह जो Cl है, इस पूरे यौगिक के गुण को निर्धारित करता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकार्यात्मक समूह। तो आपने समझा, प्रकार्यात्मक समूह क्या हो गया? प्रकार्यात्मक समूह या तो ये परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण, उसके भौतिक गुण को निर्धारित करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। तो यहां पर प्रकार्यात्मक समूह आपको पता चल गया है। तो इसे मैं एक बार पढ़ के आपको बता दे रहा हूं, जो कि NCERT से मैंने नोट्स बनाया है आप ही के लिए। तो प्रकार्यात्मक समूह को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो ये जो मैंने बताया उसी प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है। यहां बुक से मैं बता दे रहा हूं।
विभिन्न परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं। तो परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कि क्या कर रहा है, इसको स्पेशल कंपाउंड बना रहा है, इसके इसका गुण को बदल दे रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकार्यात्मक समूह बोलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपको पढ़ लेना है, उसे हम लोग बोलते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या होता है, तो विषम परमाणु क्या होता है इसके बारे में आप यह समझ सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इसके इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो थोड़ा मैं मिटा दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में यदि हम लोग एक एच को हटा दें, कहीं से भी हटा सकते हैं आप, ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, एक एच को हटा के यदि यहाँ पर कुछ ऐसे परमाणुओं को जोड़ेंगे जो कि इसकी संयोजकता को पुष्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दिया, या फिर फ्लोरीन को जोड़ दिया, या फिर आयोडीन को जोड़ दिया, या फिर इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर ऐसे परमाणु को जोड़ेंगे जो कि इसके संयोजकता को पूर्ण करे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विषम परमाणु कहेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज मैंने सिखा दिया, विषम परमाणु किसे कहेंगे, प्रकार्यात्मक समूह किसे कहेंगे। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपके लिए। प्रकार्यात्मक समूह बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको आगे के जब क्लासेस में आप जाएंगे तो 20-25 प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह को आपको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार्यात्मक समूह जो कि दिया गया है आपके लिए बहुत आसान आसान दिया गया है, तो आपके बुक से जो जो प्रकार्यात्मक समूह को पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सब नाम याद करते चलना है कि नामकरण कैसे होता है प्रकार्यात्मक समूह में, वही आपको समझते चलना है। तो इसके लिए मैं दो वीडियो बनाऊंगा, पहला ये वीडियो, उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रकार्यात्मक समूह के सारे चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझाता चलूंगा। तो सबसे पहला प्रकार्यात्मक समूह आपको पढ़ लेना है वह है एल्कोहल। तो ये सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, ये सब आपको याद करते चलना है। याद यदि नहीं होगा, उसका नाम आप नहीं लिख पाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया होगा। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि यदि इस चैप्टर को समझना है तो नामकरण हर चीज का आपको जानना पड़ेगा। तो प्रकार्यात्मक समूह में सबसे पहला है एल्कोहल, और इस समूह में को हम लोग कहते हैं ओ एच, और नाम में क्या लिखते हैं, ऑल। नाम में क्या लिखते हैं, ऑल। थोड़ा इंग्लिश में ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ, नाम के लास्ट में ऑल लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नाम लिखते हैं, आपको C1, C2, C3, C4 मैंने सिखाया था, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। तो पहले के वीडियो को आपको जरूर पढ़ना होगा तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। आपको लग रहा है कि अचानक से ये वीडियो आपको मिल गया और आप इससे पढ़ना शुरू कर दिया और आपने समझ लिया इस चैप्टर को, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में मैंने बनाया है, आपको सीरीज में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एल्कोहल में हम लोग देखते हैं, एल्कोहल में क्या जुड़ा रहता है, प्रकार्यात्मक समूह OH, और नाम में इसका, नाम में OL हम लोग लगाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला नाम हो गया, सबसे पहले ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि CH4 हम लोगों ने बना दिया, और इसमें से एच को हटा के हम लोग यहां पर क्या जोड़ देंगे, OH। तो अब ये प्रकार्यात्मक समूह लग गया और ये हो गया अल्कोहल। क्या हो गया, अल्कोहल। तो इसका यदि आपको नाम पूछे कि नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है, तो नाम में ऑल लास्ट में लिखना है, ऑल, और एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, मीथेन। तो मीथ से मीथेन याद कर लिए तो मीथेन ऑल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथेन ऑल। तो इसको ऐसे आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑल अल से ही समझना है, तो मीथेन ऑल नॉल, ऐसे मिथेनॉल आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में आप समझेंगे तो ज़्यादा आसान है समझना।
तो ये हो गया मीथेनॉल। यदि मैं ऐसे लिख दूं, एक दो OH और इधर सब तरफ H लगा हुआ है, तो नाम में मैंने क्या सिखाया। अब आपको ध्यान देना, जैसे ही OH आपको देखना है, क्या देखना है OH, तो आपको पहचान लेना है कि यह है अल्कोहल। और इसके बाद इसका नाम में आप क्या लिख देंगे, ऑल। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, तो ये हो जाएगा इथेन ऑल। ऐसे लिख सकते हैं इथेनॉल, ठीक है। अब चलिए, यदि हम लोग के पास तीन कार्बन है, एक दो तीन हाइड्रोजन, ये सब तरफ लगा हुआ है, एच लगा दीजिए, ये दिख रहा है आपको, और यहां पर OH लगा हुआ है, तो OH यहां भी लगा सकते हैं, यहां कहीं भी OH लगा सकते हैं। आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे कि यदि यहां पर OH लगा रहेगा तो इसका नाम में कुछ परिवर्तन होगा क्या, तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो वो आगे की क्लासेस में आप सीख लीजिएगा। तो यहां पर जैसे ही आपने OH देखा, इसका नाम क्या रह जाएगा, ऑल और प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो हिंदी में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है, ये नोल ऐसे करके लिख देना है, तो ये प्रोपेनॉल। फिर ब्यूटेन से क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, तो ये सबसे पहला क्या हो गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल आपने समझ लिया, अल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप क्या है बताइए, OH, और नाम में आपको क्या लगा देना है, ऑल, ओ एल ऑल, अल मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अल यदि कर देंगे, अल कर देंगे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, मैं सिखा दे रहा हूं आपको दूसरा। तो प्रकार्यात्मक समूह में आपको चार पांच ही सिर्फ पढ़ना है, तो दूसरा हो गया एल्डिहाइड, क्या हो गया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह आपको याद कर लेना है, ये क्या है, सी ऊपर डबल, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गया एच, और ऐसे जगह एक जगह खाली हो गया, तो ये क्या है प्रकार्यात्मक समूह, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसी के क्या हम लोग बोलेंगे प्रकार्यात्मक समूह। और इसका नाम में आपको याद कर लेना है, इसको ऐसे कर दीजिए, इधर से लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर इसका नाम में क्या हो जाएगा, अल, नाम में क्या हो जाएगा ए एल अल। तो अब इसका नाम देखते हैं, तो सी एच फोर ऐसे मान लीजिए लिख दिया आपने, तो ऐसे इसमें नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करके करना है, ऐसा थोड़ा सा देखिए, तो यदि लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से इसको सीखना होगा, सीखना यह है कि यह है अल, क्या नाम है इसका, अल, तो जैसे ही ये देखेंगे आप बोलेंगे अल, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सीखना होगा। तो यहां पर एक कार्बन ऑलरेडी है, एक कार्बन है, तो इस एक इसी कार्बन का फिर से नाम लिख देना है, तो इसको लिख देना है मीथेन। तो अब यहां एच आपको सिर्फ लगा देना है, तो ये हो गया मीथेन अल, यहां पर अलग से कार्बन आपको नहीं जोड़ना है, यही हो गया मीथेन अल। यदि बात आ गया इथेन अल क्या होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच आपने ये लिख दिया, ये हो गया अल, और इथेन के लिए कितना कार्बन होना चाहिए, दो, तो दो कार्बन आप यहां पर लगा दीजिए, तो दो एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, एक जो ऑलरेडी है उसको गिन के दो होना चाहिए, तो एक और दो, और एच आपको लगा देना होगा, तो ये हो गया इथेन अल, तो मीथेन अल, फिर क्या हो गया इथेन अल, इस प्रकार से। फिर प्रोपेन अल हो गया, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये अल हो गया, और प्रोपेन के लिए क्या लगा देना होगा आपको, प्रोपेन के लिए दो और कार्बन, क्योंकि तीन कार्बन चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस प्रकार से आप फिर अल वाला भी बना सकते हैं। तो आपको याद कर लेना है एल्डिहाइड क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और नाम में क्या हो गया अल, तो ये सब रट लेना है, याद कर लेना है, यदि आपको ये नाम याद नहीं है तो आपका दो से तीन नंबर एग्जाम में घट जाएगा।
तो इस प्रकार से एक और मैं सिखा दे रहा हूं, फिर आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसको। एक और हो जाएगा, तीसरा है कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक सेलिक, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, कार्बोक्जिलिक एसिड, एसिड को यहां अम्ल कर दिया गया है, अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो गया, तो अल याद करिए, सी डबल बॉन्ड ओ और एच क्या था, अल था। तो यहां पर कुछ परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ यहां एच को हटा के ओ एच कर देना है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। और इसको बोलेंगे ओइक अम्ल या एसिड, हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं तो ओइक अम्ल लिख देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, तो यहां पर एक कार्बन ऑलरेडी है, तो ये हो गया ओइक अम्ल। क्या हो गया, ओइक अम्ल। अब यहां पर एच लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल, ओइक आ गया मीथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन लिखा, तो मीथेनोइक अम्ल आ गया। यदि है ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, तो ओइक अम्ल लिखेंगे इसके लिए। और यदि दो कार्बन है, एच लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, इथेनोइक अम्ल। तो अब आपने समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग नामकरण कर रहे हैं। तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहला क्या हो गया अल्कोहल, दूसरा क्या हो गया एल्डिहाइड, और तीसरा क्या हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये तीनों आपको रट के चलना है। इसके बाद जो वीडियो है उसमें भी मैं प्रकार्यात्मक समूह ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसको कंटिन्यू में कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप याद रखें कि हमारे चैनल में सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ। आप चैनल को खोलें, वहाँ पर प्लेलिस्ट को खोलें, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो वीडियोज़ आपको पढ़ने हैं उसको आप कॉमेंट्स में लिखिए, मैं उसको भी बनाता चलूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।